नमस्कार। इस रेसिपी वीडियो में हम आपको मखाना खीर बनाना सिखाएंगे, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है और व्रत आदि में भी खा सकते हैं या किसी भी अवसर पर खा सकते हैं। तो चलिए आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। मखाना खीर बनाने के लिए हमने यहाँ पर 50 ग्राम मखाना लिए हैं। इन्हें हमने अच्छी तरह से छोटे टुकड़ों में काट लिया है। कभी कभार इसमें कीड़े भी होते हैं, तो इसलिए इसको अंदर से ज़रूर देख लें। अब हम एक कढ़ाई में घी या तेल, जो भी आप डालना चाहें, हम यहाँ पर 2 बड़े चम्मच देसी घी डाल रहे हैं। इसको गर्म होने देंगे। इसके बाद हम इसमें मखाने डाल देंगे और इन्हें थोड़ा सा भून लेंगे हल्की गुलाबी रंगत आने तक। अब हम इसमें 1 लीटर दूध डाल देंगे। अब इसी में ही हम इसे पकाते रहेंगे और लगातार चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना चिपके और किनारों से भी जो मलाई है या जो भी रबड़ी है वो निकालते रहेंगे और इसे पकाते रहेंगे। इसके खीर जैसे गाढ़े हो जाने तक हमने इसको पकाना है। इसी के साथ हम इसमें 1/2 छोटा चम्मच हरी इलायची का पाउडर या हरी इलायची डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम इसमें कटे हुए काजू डाल देंगे, किशमिश डालेंगे और फिर से एक बार चला लेंगे। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। आप इसे ज़रूर बनाएं और अपने व्यूज हमसे शेयर करें। मखाने खाने में बहुत ही पौष्टिक होते हैं, इन्हें ज़रूर खाना चाहिए और इसके फ़ायदे को हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है। अब हमने इसमें थोड़ा सा कटा हुआ नारियल डाला है और उसके बाद इसे अच्छी तरह से पकने के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद हम इसमें 1/2 कप चीनी डालेंगे, यानी कि 50 ग्राम चीनी, और इसे डाल के अच्छी तरह से चला लेंगे। इस खीर को बनाने में वक्त ज़रूर लगता है, पर बनती बहुत स्वादिष्ट है। अब हम 2 बड़े चम्मच केसर का दूध डाल देंगे। केसर का दूध बनाने के लिए हमने केसर को गर्म दूध में डाल दिया था और उसे 8-10 मिनट के लिए छोड़ दिया था, तो उससे केसर दूध बना सकते हैं। अब हमारी खाना खीर बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम आंच को बंद कर देंगे और इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। मखाना खीर बनकर तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपी वीडियोस पसंद आई हैं तो प्लीज़ लाइक करें, अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में शेयर करें और हमारे चैनल से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।